इसके बाद हम सभी खड़ा हो जाएंगे प्रस्थान के किले से। एक बार उनका श्वास भी पूरा होना चाहिए, उसमें श्वास लेना सांस छोड़ना ऐसे, फिर ऐसे मुख घुटना होता है वो धीरे धीरे अभ्यास है, ऐसे चाय के घुटने को पकड़ेंगे। हाँ ये छोड़ना है एक दूसरे विपरीत अपने सद्गुरु के श्री चरणों के हो जग माया सगुरु सपन गुरु और जैसे कि आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में पिछले दो दिनों से आपने ये जो योग शिविर जो चला रखा है, क्या आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि योग एक प्रकार का अच्छा विकल्प है जो सभी को करना चाहिए? कृपया अपना परिचय देते हुए लोगों को साझा कीजिए। जी नमस्ते, जय हिंद, जय श्री राम। सभी को सबसे पहले दर्शकों का अभिनंदन है आप सभी की। आज मैं पहली बार आपके यूट्यूब चैनल से जुड़ा हूँ, आपका भी अभिनंदन है। इसमें मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के शादिवसीय श्रीमद भागवत कथा में उपस्थित हूँ, और जहाँ पे स्वामी अर्जुनानंद जी के निर्देशन में 3 दिवसीय योग शिविर संचालन हुआ है, और उसमें प्रत्येक सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक सभी लोग योग इच्छुक योग प्रेमी भाग ले रहे हैं, योग का लाभ ले रहे हैं। और मैं साथ ही साथ आप के न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप भी यदि आप गोंडा जिले में उपस्थित हैं तो आप इस स्वामीनाथ लान में आएँ और योग शिविर का आनंद लें। जय हिंद, जय भारत। मुट्ठी बंद कर लिया, प्रैक्टिस बढ़ा लीजिए उसका, प्रैक्टिस कर, कोई दिक्कत नहीं। कलाई का गोल गोल कितना अभ्यास, लीजिए संतोष भैया श्वास ना तेज करिए, श्वास करिए बढ़ाइए श्वास अपनी, फिर ऐसे सामने से ऐसे। हाँ किसी को बुलाना नहीं, ऐसे ऐसी हवा खाना है। बैठिए ऐसे ऐसे घुटना पे भी लोग बैठेंगे ना तो घुटना दर्द दूर होता है। आजकल घुटना में कहाँ कोई बैठ रहा है, घुटना में चला नहीं जाता है, इतिहास भी किया जाता है ऐसे ऐसे घुटने का भी चलते नहीं, घुटने का भी ऊपर नीचे
मल्टीप्लाई क्या बात है, बहुत सुंदर। और लंबी लंबी श्वास है, आइए ऐसे आइए। सीने पे कब जम जाता है उसके लिए अभ्यास, एक्यूप्रेशर।